इसी बीच बड़ी खबर, करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का हरियाणा सरकार ने तबादला कर दिया है। किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में विवादित आदेश के कारण विपक्ष के निशाने पर थे एसडीएम। आपको याद होगा करनाल में जब लाठीचार्ज हुआ तो दरमियान एक वीडियो सामने आया था जिसमें सिर फोड़ने की बात करने को लेकर के एसडीएम का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो पर एक रिपोर्ट जारी की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता रहे हैं, नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम का किया था बचाव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हरियाणा से, जहां करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का हरियाणा सरकार ने तबादला कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज करने के मामले में विवादित आदेश देने के कारण विपक्ष के निशाने पर आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता रहे, क्योंकि करनाल की घटना आपको बखूबी याद होगी, सिर फोड़ने की बात करने वाले करनाल के एसडीएम का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो पर एक रिपोर्ट मांगी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किया जाएगा। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, करनाल के एसडीएम का तबादला कर दिया गया है। किसानों पर लाठीचार्ज करने के मामले में विवादित आदेश के बाद निशाने पर विपक्ष आ गए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सिर्फ फोड़ने की बात करने वाले करनाल के एसडीएम का तबादला किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो पर एक रिपोर्ट मांगी थी। राकेश गुप्ता ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, एसडीएम का तबादला कर दिया गया है, क्या कुछ और अपडेट है पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं कि 28 अगस्त की जो घटना है वो पूरे देश को मालूम है, और जिस तरह से इस भिड़ंत के बाद किसानों और पुलिस में जो भिड़ंत हुई, उसके बाद एसडीएम आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा का जो एक विवादित वीडियो जारी हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी कि ये वीडियो लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जितना उनका सूट करता था उतना जारी किया और इससे छेड़छाड़ की गई है। हालांकि पहले शुरू में सरकार जो है इसके इस पर कार्रवाई, एसडीएम पर कार्रवाई ना करने के मूड में नजर आती थी, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि हर तरह से सरकार निशाने पर आई है और विपक्ष ने इस वीडियो वायरल को लेकर काफी जो सरकार की आलोचना भी की, उस आईएएस अधिकारी की आलोचना भी की, किसान संगठनों ने भी आलोचना की, तो इस सब को लेकर जो है काफी विवादित जो हुए थी ये वीडियो, और सरकार जो है काफी संकट से में नजर आ रही थी। तो हालांकि पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लेकर तो यही कहना था कि अगर रास्ता रोका जाएगा, कानून हाथ में लिया जाएगा, तो पुलिस की कार्रवाई को उचित कहीं ना कहीं ठहराया जा रहा है। लेकिन जो ये वायरल वीडियो था वो एक मुसीबत का कारण बना था। आप ये भी जानते हैं, एएनबी ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये खबर दी थी कि राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने करनाल के डीसी को पत्र लिखकर जो है जांच के आदेश दिए थे सारी घटना के, और साथ में इसमें स्पेसिफिकली एक बात मेंशन की गई थी कि ये वीडियो वायरल को लेकर एसडीएम सिन्हा के जो है बयान भी ले जाएं और पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है चंडीगढ़ भेजी जाए, उनके पास भेजी जाए। आज जो तबादला लिस्ट जारी हुई है उसमें 19 आईएएस अधिकारी और एक एसपीएस अधिकारी हैं, इसमें आयुष सिन्हा का नाम भी है। उन्हें एसडीएम के पद से हटाकर अब क्रिड का एडिशनल सेक्रेटरी लगाया गया है। क्रिड में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट है, ये तो इस विभाग में लगाया गया है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट जो डीसी ने भेजनी थी उसका कोई जानकारी नहीं मिल रही है, रिपोर्ट आई है नहीं, लेकिन इस पर जो जैसे ही मामला गरमाया है, मामले को गरमाते ही इसको एक उस संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है, सारे वायरल वीडियो से जोड़कर देखा जा रहा है, और इस कार्रवाई के बाद हो सकता है कि विपक्ष के मुंह पे अब ताला लगे। जी बिल्कुल राकेश जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था, अब जैसे तबादले का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इस पर विपक्ष का क्या कुछ बयान अभी तक आया है सामने, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके सामने आई है? देखिए अभी क्योंकि हाल ही में फैसला है, ये कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी मेरी किसी विपक्षी दल के नेता से बात नहीं हुई है, लेकिन ये अवश्य है, क्योंकि आपने अतीत में भी देखा होगा जब इस तरह के कोई घटनाएं होती हैं तो सरकार अधिकारियों के तबादले करती है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि वो रिपोर्ट जो मुख्य सचिव ने मांगी है वो काफी महत्वपूर्ण है,
अब ये देखने वाली बात ये है कि उस रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस तरह की खबरों को भी, जिसे हम कहते हैं कि प्रस्ताव किया गया कि यदि सेना पर कार्रवाई होती है तो आईएएस लॉबी में नाराज किया है कि, लेकिन ये बातें जब सरकार के लिए मुसीबत का कारण बनती हैं तो उसका कोई मायना नहीं रहता। और ये फौरी तौर पर प्राथमिक कार्रवाई है, अभी रिपोर्ट का इंतजार है कि रिपोर्ट आती है आगे क्या कार्रवाई होगी। और निसंदेह विपक्ष के मुंह पर ताला लगेगा, क्योंकि ये कार्रवाई जो किसी भी अधिकारी को घटना के एक दो दिन के बाद बदल देना जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है एसडीएम, क्योंकि ये सिन्हा जो है बिल्कुल नए बैच के अधिकारी हैं और अभी एसडीएम ही थे, तो इस तरह से जो जो बयान था वो उसको लेकर जो है काफी महत्वपूर्ण बना था। तो अब सारी जो कार्रवाई है उसी घटना से जोड़कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल राकेश जी, अगर किसानों की बात करें, क्योंकि किसान काफी ज्यादा नाराज थे, राकेश ने कहते भी सीधे तौर पर तालिबानी फरमान की इससे तुलना की थी, क्या लगता है आपको कि किसानों की नाराजगी इससे थोड़ी शांत हो पाएगी? नहीं देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो किसानों ने शिकायत ने तालिबानी इस बयान को कहा था, अपोजिशन ने इस बयान को, विपक्षी दलों ने इस बयान की निंदा की थी और इस बयान के चलते ही यहाँ तक कहा कि ये जो पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ ये एक सुनियोजित योजना थी, सुनियोजित चाल थी सरकार की, जबकि ये एक मौके की घटना थी। क्योंकि ऐसा अगर रोड जाम नहीं होता, एक साइड में किसान जो हैं प्रदर्शन करते, काले झंडे दिखाते, लेकिन जिस तरह से किसान उग्र हुए, गाड़ियों के सामने आए, गाड़ियों पर मतलब उन्होंने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, सारा हाईवे जाम किया, तब ये कार्रवाई हुई है, उसी दौरान ये वीडियो जारी हुआ। और दूसरी बात ये है, मुख्यमंत्री ने भी अधिकारी के जो शब्दों का इस्तेमाल था उसको कोई उचित नहीं ठहराया था। इसके साथ ही आज हमने अपने दर्शकों को और भी दिखाया कि संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की हमने, ट्रांसपोर्ट मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा से बात की, सभी का ये कहना था कि ये शब्द जो है उचित नहीं है लोकतंत्र में, और यदि ऐसे शब्दों का अतीत में भी इस्तेमाल होता रहा है तो भविष्य में इन शब्दों को हटा देना चाहिए। क्योंकि जो ये जो तालिबानी शब्द, जैसा राकेश कैत ने कहा, इन शब्दों की किसी ने सराहना नहीं की, हालांकि एसडीएम ने अपने हवाले से यही कहा था। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जाता रहा ऑफ द रिकॉर्ड की मौके पे उसका कहने के भाव और होते हैं, लेकिन उसके अर्थ और ले लिए गए, लेकिन उन बातों का मायना नहीं है। जो शब्द निकले और जो जो वायरल हुआ, क्योंकि आज का टाइम जो है बाकायदा जिस तरह से आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का है, और मोबाइल कैमरे वाला मोबाइल हाथ में आने के बाद जो हर व्यक्ति रिपोर्टर है, पहले इतने साधन नहीं थे कुछ भी, अगर पुराने अधिकारी, क्योंकि एक तर्क बीच में आया था, किसी रिटायर्ड आईएएस अफसर ने कहा था कि हम अपने समय में इससे भी ज्यादा जो बात कह देते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि आप प्रजातंत्र में जी रहे हैं, प्रजातंत्र आप पूरा जवान है, और दुनिया का जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, यहाँ पर ऐसी हरकतें किसी भी अधिकारी जो यकीन कुछ नियम कानून है उसके अनुसार ही अधिकारी भी अपने वक्तव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद राकेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राकेश गुप्ता ब्यूरो चीफ हरियाणा से जुड़े थे। और यकीनन बड़ी खबर, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है, एसडीएम का तबादला किया गया है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।